हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्लांट्स की शॉपिंग और प्राइस भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। तो आज जो है मुझे एक ऐसा प्लांट मिला है जो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, तो कौन सा है वो प्लांट और क्या प्राइस है उसकी, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले हम एक एक करके देख लेते हैं कौन से प्लांट की प्राइस क्या है, और साथ में मैं अपने गार्डन में आज खिले हुए फूल भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहला प्लांट है कृष्ण कमल का प्लांट। तो ये जो कृष्ण कमल है, इस पर आने वाला है वाइट एंड येलो शीट का फ्लावर्स खिलने वाला है। तो मेरे पास पर्पल कलर का जो है कृष्ण कमल का प्लांट है, जिसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो मुझे कुछ और कलर्स ऐड करने थे अपने गार्डन में, तो मैंने जो है ये एक कृष्ण कमल का जो वाइट एंड येलो शेड है वो लिया है, और दूसरा ये एक और कृष्ण कमल का प्लांट है जिस पर रेड कलर के फ्लावर्स आने वाले हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम से कृष्ण कमल में कलर्स की सर्च थी, तो फाइनली मुझे दो एक्स्ट्रा कलर मिल चुके हैं। तो जो पर्पल वाला है वो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है, तो मैं इन्हें भी कोशिश करूंगी कि ये भी अच्छी ब्लूमिंग करे। तो जो पहला जो वाइट वाला है वो मुझे मिला है 30 रुपीज़, और बाकी दो मुझे मिला है 25 रुपीज़ ईच। और जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये बैंगन का प्लांट है। तो जो कांटे वाला बैंगन होता है ये उसी का प्लांट है। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कुछ वेजिटेबल प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने का, तो ये मुझे मिला है 10 रुपीज़ ईच। तो दो प्लांट मैं लेकर आई हूँ, तो होप जो वेजिटेबल प्लांट्स है मुझसे ग्रो हो जाए। तो कुछ और वेजिटेबल प्लांट्स या सीड्स मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। और जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, वो है इम्पेशियंट का प्लांट। तो इम्पेशियंट का प्लांट मुझे मिला है 20 रुपीज़ का। तो अभी जो है इम्पेशियंट्स विंटर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो विंटर प्लांट्स है इतनी जल्दी नहीं आते हैं, यानी अभी इन्हें आने में जो है अब जो अक्टूबर एंडिंग में जो है सभी विंटर के प्लांट्स आते हैं, तो मुझे और थोड़ा वेट करना होगा। तो ये प्लांट मुझे मिल रहा था तो मैंने इसे ले लिया। तो 20 रुपीज़ का जो है ये प्लांट है, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं और पूरा प्लांट जो है फ्लावर से भर जाता है। तो इम्पेशियंट का प्लांट बहुत ही खूबसूरती ऐड करता है गार्डन में, और इसे अगर आप अच्छी तरह से ग्रो करो यानी समर्स में अगर आप बचा लोगे तो पूरे साल भी चल सकता है आपके गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स मॉस रोज के। तो मॉस रोज के मैं दो प्लांट लेकर आई हूँ। तो वैसे मेरे पास मॉस रोज में काफ़ी कलर्स है, बट ये जो शेड्स है ये नहीं थे मेरे पास। देखिए, एक येलो है और एक ऑरेंज एंड पिंक शेड में है डबल कलर में। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्लावर्स जब इनमें फ्लावरिंग होती है। तो ये दो प्लांट मुझे मिले हैं 10 रुपीज़ ईच। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ट्रम्पेट वाइन। तो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल गुच्छों में ऑरेंज कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, जिनके फ्लावर्स बिल्कुल ट्रम्पेट की तरह होते हैं, इसीलिए ट्रम्पेट वाइन कहा जाता है। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी बट किसी भी नर्सरी में मुझे नहीं मिला था, तो फाइनली मुझे ये मिल चुका है। तो ये प्लांट मुझे मिला है ओनली 30 रुपीज़ का। तो इसमें फ्लावरिंग आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक इसकी बेल अच्छे से चढ़ नहीं जाती है तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आई होप ये जल्दी ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स जो कि मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, वो है मैंडीविलिया का प्लांट। तो मैंडीविलिया को मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी और कुछ नर्सरीज पर मिल भी जाता था, तो 350 या 400 के नीचे ये प्लांट मुझे नहीं मिलता था। तो लकीली मुझे ये प्लांट मिल भी गया है, और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही अच्छा मुझे मिला है। तो इसके मैं दो शेड लेकर आई हूँ, एक तो पिंक और एक वाइट। तो उन्होंने तो कहा है कि दो अलग शेड है, तो देखते हैं कि पिंक कहीं वाइट में ही कन्वर्ट ना हो जाए। वैसे मैंडीविलिया में पिंक एंड वाइट एंड रेड तीन कलर आते हैं। तो एक प्लांट मुझे मिला है 120 रुपीज़ का। सो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं मेरे गार्डन के कुछ फ्लावर्स। तो ये है बालसम का प्लांट, और जिसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसे मैंने सीड से ग्रो किया है, तो मुझे लगा दोनों ही रेड कलर के फ्लावर्स खिलेंगे, बट इसमें आप देख सकते हो दोनों ही अलग कलर के फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है इन फ्लावर्स का भी, बहुत ही प्रीटी कलर है इनका भी। तो बालसम को आप सीड से अभी ग्रो कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग इनमें होती है। और जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए मेरा गुड़हल का पौधा, ये डबल पेटल हाइबिस्कस है, और इसमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है कंटिन्यूसली। इस पर देखिए बर्ड्स बनते ही जा रहे हैं। तो मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगी, अगर आपके हाइबिस्कस पर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र हमें उसे देना है और किस टाइप की केयर हमें उसकी करनी है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हो आप, हाइबिस्कस में बहुत ही अच्छी मेरे गार्डन में फ्लावरिंग हो रही है। और एक ऐसा प्लांट जो काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, अब फाइनली ब्लूम कर रहा है, वो है फ्रेंड्स ये देखिए कितना प्यारा कलर है इसका।
तो काफ़ी टाइम बाद जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावरिंग ऐसी हो रही है फ्रेंड्स कि देखते ही रह जाएंगे। यानी कलियाँ इतनी बन रही है, आप देख सकते हो जितने भी ब्रांचेस है उन सभी पर 4 से 5 कलियाँ बन रही है। तो जो फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ उसी का ये रीज़न है, जिसकी वजह से जितने भी मेरे हाइबिस्कस है उन सभी पर बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स बन रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका। तो ये हाइब्रिड हाइबिस्कस है, और ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये मेरा ग्राफ्टेड हाइबिस्कस है जो कि मैं अपने गांव से लेकर आई थी। तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स, दो जो ग्राफ्टेड वेराइटी है उन पर एक पर आ रहा है वाइट कलर का सिंगल पेटल, और दूसरे पर आ रहा है डबल पेटल जो रेड कलर का फ्लावर है। तो दो कलर्स तो मुझे पता चल चुके हैं, अब बाकी दो में कौन से कलर आते हैं वो अब जब खेलेंगे तभी पता चलेगा। तो ये भी मेरा एक हाइब्रिड हाइबिस्कस है जिस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और ये मेरा वर्बीना का प्लांट है, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। पिंक एंड वाइट दो कलर इसमें खिल रहे हैं। और ये मेरा अपराजिता का प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि मैंने सीड से ग्रो किया था, तो ये काफ़ी बढ़ चुका था, इसकी प्रूनिंग मैंने की थी। तो अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। और ये मेरा एलमेंडा का प्लांट जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है अभी। और ये मेरा पिंक हाइबिस्कस है जो कि कंटिन्यूसली ब्लूम करता है, यानी हर रोज़ इस पर 4 से 5 फ्लावर्स खिलते ही रहते हैं। अभी आप देख सकते हो, देखिए ये 2 और ये 4, तो 4 से 5 फ्लावर्स हमेशा इस प्लांट पर ब्लूमिंग कर रहे हैं। और ये एक और मेरा प्लांट है वाइट हाइबिस्कस, देखिए इस पर भी बहुत ही सारी कलियाँ बन रही है और बहुत अच्छी इस पर भी ब्लूमिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरा सिंगल पेटल चांदनी का प्लांट है, तो मेरे पास डबल और सिंगल पेटल और मल्टी पेटल तीनों प्लांट है, और तीनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये है फ्रेंड्स मेरा एक्जोरा का प्लांट, और आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल ब्लूम्स इस पर खिले हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी पर बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। तो एक्जोरा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है गार्डन में फ्रेंड्स। और मेरा ये एक और देसी हाइबिस्कस है, अगर आपके हाइबिस्कस पर अगर फ्लावरिंग नहीं होती है तो सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए और आपके प्लांट पर आप ढेरों फ्लावर्स देख सकते हो। और ये मेरा देखिए देसी विनका का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो देसी विनका को आपको कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही किसी भी पॉट में ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ मेरे गार्डन के फ्लावर्स, और कुछ शॉपिंग मैंने की थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।